Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang has said that the ongoing problem associated with the National Highway No. 10 would be over. Speaking exclusively to Northeast Live, Chief Minister Tamang said that the problems of the arterial NH10 will be ending soon. Here, he said that the Union Government has assigned the Ircon International Company to construct the West Bengal part of the National Highway. He said that with the construction and repair of the affected patches of NH10, the ongoing problem regarding the road connectivity will be resolved soon. Noteworthy is that the Ircon International Company is also constructing the Sivoke-Rangpo railway line. NH10 बंद हुआ 27 दिन हो गए और मेरे तरफ से राज्य सरकार के तरफ से मैंने केंद्र सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय गृह मंत्री जी माननीय ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मैंने अवगत किया है मैंने और केंद्र सरकार के तरफ से बंगाल सिक्किम सरकार का अधिकारीगण और बंगाल सरकार का अधिकारीगण और केंद्र सरकार का अधिकारीगण का पूरा सभा भी हो चुका है तो कोशिश है कि ये रोड जल्दी से जल्दी खुला जाए और उन्होंने कमिटमेंट दिया कि एक महीने के अंदर सब रोड खुल जाएंगे पूरा और अभी रेलवे कंपनी को दिया ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्योंकि पहला ये पश्चिम बंगाल के अधीनस्थ था ये पश्चिम बंगाल सरकार के अधीनस्थ था इसलिए अभी रेलवे कंपनी को दिया डायरेक्टली दे पूरा केंद्र सरकार के तरफ से पूरा कोशिश हो रहा है जोरथांग के जो FCI के गोदाम है उसमें थोड़ा सप्लाई कम है हाँ नहीं पहला से हमारा अपना जो भी है जो आवश्यकता के मुताबिक पूरा जो गोडाउन में है लेकिन थोड़ा जो रास्ता का जो है अभी कंडीशन उसके कारण थोड़ा सा मतलब अभी तो ऐसा सिचुएशन है लेकिन उसके लिए हम लोग पूरा काम कर रहे हैं पूरा लाचेन तो हम लोग ने अभी खुलने वाला है पूरा काम हो चुका है रोड बन चुका है अब कही मतलब दो चार दिन के बाद ही खुल जाएगी।